बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां नाबालिग लड़की के साथ दैहिक शोषण और ब्लैकमेलिंग करने वाले कथित आरोपी कांग्रेस नेता अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर खान को बीते दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आज सतना पुलिस और राजस्व अमले ने आरोपी सिकंदर की अय्यासी का अड्डा रहे उसके नजीराबाद स्थित फार्म हाउस, जो कि 5000 स्क्वायर फीट पर बना था, उसे जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया। वहीं आरोपी अभी 18 सितंबर तक पुलिस रिमांड में है। अब मध्य प्रदेश में भी अपराधियों पर खौफ के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। नाबालिग युवती के बलात्कारी आरोपी सिकंदर पर शिकंजा कसा है और फार्म हाउस में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटा दिया गया। बता दें कि भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचा और फिर फार्म हाउस को धराशायी कर दिया गया। ये वही फार्म हाउस था जिसमें आरोपी सिकंदर ने नाबालिग को 2 वर्षों से ब्लैकमेल कर रेप कर रहा था। बता दें कि आरोपी के पूर्व में 4 अपराध पंजीबद्ध थे, उसके अतिरिक्त इसी हफ्ते 5 और अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध कुल 9 अपराध पंजीबद्ध हो गए हैं, जिसकी आपतन आपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर आरोपी के विरुद्ध NSA प्रतिवेदन SP कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है। ये नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोपी सिकंदर खान का यहाँ पे वो नाबालिग को जाकर कई बार में आसान किया ज्ञात हुआ है कि इसकी जो है उसने निर्माण इतना कोई मतलब नगर निगम से नहीं देते के संबंध में नगर निगम को नगर निगम द्वारा जांच कराते हुए पाया गया अगर निर्माण है तो उसका कार्रवाई से अपराधियों में मैसेज जाएगा कि खराब करने वालों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वक्त नहीं है सर, घर में भी ऐसी कुछ कार्रवाई हुई, घर में भी कार्रवाई हुई, अब इसके संबंध में जांच चल रही है, अगर पाया जाएगा भाई तो नगर निगम वाले। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।